हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन एंड देयर फंक्शन। अब देखो, बॉडी में काम करने के लिए कुछ सिस्टम बने हुए हैं। जैसे घरों में सिस्टम होता है, लाइट ऑन करो पूरे घर में लाइट चली आती है, लाइट एक जगह लाइट ऑफ करो पूरे घर में लाइट ऑफ हो जाती है ना। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी सिस्टम बना हुआ है मैसेंजर्स का, मैसेज इधर से उधर कैसे जाएं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, या आपको कहीं पेन हो रहा है, आपने खाना खाया कैसे डाइजेस्ट होगा, है ना, तो कैसे ग्लैंड सिक्रीट करेंगी हार्मोन्स का। तो ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है। इसमें कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, या कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती जिनमें मिक्स्ड फंक्शन होता है, मींस इंडो और एक्सो दोनों का। तो पूरे सिस्टम को मैं कहानी की तरह समझाऊंगा, आप कहानी की तरह सुन लेना। सारे के सारे नोट्स मैंने इसी में दे दिए हैं। जिनको चाहिए होता है, जो बोलते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, देखो भाई पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कराता नहीं, आपको पता है ना। तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसी को समझ लो या उसी से नोट्स बना लो, सफिशियंट है। बाकी समझाने का काम मैं समझा दूंगा, ठीक। तो ये बात रही। अब भाई ये सिस्टम होता क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। देखो दो तरह के होते हैं, एक इंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं इस चीज़ को, या मिक्स सिस्टम। तो क्या होता है इंडो और क्या होता है एक्सो, तो ये समझते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सपोज करो कि हमको जो है भाई ये कोई ग्लैंड है, क्या ये, दिस इज ग्लैंड। तो ये ग्लैंड है, इसको कुछ सिक्रीट करके इस टारगेट ऑर्गन पे कुछ एक्शन शो करना है। क्या करना है, एक्शन शो करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये इसके पास दो रास्ते बनते हैं। एक तो कोई अगर इसके पास डक्ट हो या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, है ना, या तो पाइपलाइन हो कोई, या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो कि इसने भाई अपना काम किया, क्या किया, सिक्रीट कर दिया, और सिक्रीट करके उसको दे दे और वो क्या करे, यहाँ पे पहुँचा दे, ठीक। तो ये बात हुई। अब ये सिक्रीट करेगा तो इसके पास क्या कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई सॉरी डक्ट नहीं होती, मींस पाइपलाइन सिस्टम इसका नहीं होता। क्योंकि पाइपलाइन होती तो क्या करता, सिक्रीट करता, सिक्रीट करके उसी पाइपलाइन में डाल देता और पाइपलाइन सीधे जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे जाती, वहां जाके वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता और अपना आगे का एक्शन शो करता, ठीक। लेकिन इसके पास फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा भाई, जब ये ऑप्शन नहीं तो अब ये क्या करे, ये क्या करेगा भाई, ग्लैंड है, अब ये ग्लैंड क्या करेगी कि इसने सिक्रीशन किया चारों तरफ, बहुत होशियार ग्लैंड है, चारों तरफ क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, है ना। तो ये क्या, जिससे कि ब्लड में, है ना, जिनके अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, वेसल्स हैं, तो ये ग्लैंड अपना सिक्रीट करके जो भी सिक्रीशन है, जो भी हार्मोन है जो सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं हार्मोन, ठीक। अब ये हार्मोन सिक्रीट करके ब्लड को दे देते हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड भाई उस टारगेट ऑर्गन से जब निकलता है तो उस टारगेट ऑर्गन पे जाके बाइंड हो जाता है, अपना एक्शन शो करता है। अब एक सवाल ये उठता है कि ब्लड ऐसी चीज़ है जो बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचती है, तो फिर ये जो ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट करके ब्लड में डालती है, तो कैसे ब्लड को पता चलेगा कि उसको सिर्फ उसी जाके ऑर्गन के रिसेप्टर पर बाइंड होना है। इसके लिए एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि आपके घर में मान लिया दो या तीन तरह के फ़ोन हैं, किसी के पास वोडाफोन है, किसी के पास जियो है, किसी के पास आइडिया, किसी के पास BSNL, है ना। अब ये बताओ, पूरे घर में सबके रेडिएशंस आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, सबके रेडिएशंस आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि वोडाफोन का सिम वाले पे कभी BSNL का नेटवर्क आ गया हो, या उस पर फ़ोन आ गया हो, नहीं ना। दूसरा, सबके अलग अलग नंबर हैं, कोई वायर सिस्टम नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है, सारे रेडिएशन। तो अब फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया इनके रिसेप्टर्स पे, इन सब पे स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो कि स्पेसिफिक उसी रेडिएशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से, जैसे अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो ये टारगेट ऑर्गन है ना, इसके पास इस तरह के रिसेप्टर्स हैं, क्या, इस तरह के रिसेप्टर्स हैं। अब इस रिसेप्टर पे
बाइंड हो जाएगा, इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर है जो इसमें फिट हो जाएगा, जो हार्मोन आके इस रिसेप्टर पे फिट हो जाएगा और फिर अपना एक्शन शो करेगा। यही एक वजह, जितने भी रिसेप्टर हैं उनके अपने स्पेसिफिक साइज होते हैं, स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है भाई। जैसे बहुत सारे ताले हैं दुनिया भर में, बहुत सारे ताले होते हैं, एक ताला दूसरी चाबी से खुलता है क्या? उसके लिए उसकी स्पेसिफिक चाबी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खांचा है वो एक स्पेसिफिक टाइप का है जो उसी चाबी से खुलेगा। ठीक उसी तरह से ब्लड में जो हार्मोन डाला गया सभी बॉडी के पार्ट से होकर निकलता है, लेकिन जब उसको अपना रिसेप्टर मिल जाता है वहीं बाइंड होता है और अपना एक्शन शो कर देता है। तो कुल मिला के इतनी बात समझो कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये डक्टलेस सिस्टम होता है। जैसे भाई देखो, इधर क्या दिखाया हमने कि ये ग्लैंड है, इसने क्या किया, सिक्रीट किया हार्मोन। हार्मोन सिक्रीट करके क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में इसने डाल दिया। ब्लड स्ट्रीम में डाला, ब्लड स्ट्रीम कहाँ पहुँची, टारगेट टिश्यू तक पहुँचा और आगे अपना जो भी अपना इसका एक्शन है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ग्लैंड का फिर भाई, ग्लैंड किससे मिलकर बनी होती है भाई? बॉडी में हमने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो भी बॉडी की होती है आपकी, क्या होती है, एक छोटी सी सेल होती है। सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू, ठीक, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। अब ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक, ये बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कलर तरह के ऑर्गन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस, उसी केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं हार्मोन, और जो ऑर्गन सिक्रीट करते हैं उन्हीं ऑर्गन को बोलते हैं हम ग्लैंड, ठीक। तो ग्लैंड किससे मिलकर बना है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स टिश्यू से मिलकर बना हुआ ऑर्गन है, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ठीक। अब ये दो तरह के देखो जो हमने समझाया, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का हिसाब किताब क्या है भाई, एक्सोक्राइन का सीधा सा है कि भाई ये ग्लैंड है ना, इसको यहाँ तक पहुँचाना है टारगेट ऑर्गन तक, ये टारगेट ऑर्गन है, यहाँ तक पहुँचाना है तो इसकी अपनी पाइपलाइन है, ये इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, इसको कहीं किसी के सहारे नहीं रहना है। ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा और सिक्रीट करने के बाद टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा, इसी पाइपलाइन में डाल देगा। तो सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट्स दैट ओपन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। जो डक्ट है या तो ऑर्गन के एक्सटर्नल सरफेस पे जहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, या इंटरनल सरफेस पे जाके क्या करेगा, ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये अपना हार्मोन पहुँचा देंगे। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक या सलाइवरी या लीवर ग्लैंड्स, ये सब कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास भाई गैस्ट्रिक के पास गैस्ट्रिक डक्ट होती है ना, सलाइवरी डक्ट होती है सलाइवरी, और लीवर के पास हेपेटिक डक्ट होती है, जो हम प्रीवियस में ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर बात करते हैं जिस पे हमें बात करनी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये लैक ऑफ डक्ट होती है। देखो ये सब कुछ समझा चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न में मैटर चाहिए है ना। तो सिक्रीट डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड या ब्लड, टिश्यू फ्लूइड या ब्लड यानी लिम्फ या ब्लड में ये भेज देते हैं, जैसे एड्रेनलिन, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड है ना, पैराथायराइड ग्लैंड्स, आगे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे सिलेबस में ग्लैंड्स, तो बहुत सारी जो सिलेबस में हम खाली उन्हीं की स्टडी करेंगे। तो भाई इस तरह से रहता है आपका सिस्टम। फिर इंडोक्राइन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, इंडोक्राइन वर्ड डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं इंडो, इंडो मतलब विद इन, मतलब उसी के अंदर, क्राइन मतलब सेपरेट और सिक्रीट, मीन्स कोई भी सेल्स है वो उसी जहाँ पे है, जहाँ सिक्रीट करेगी, जहाँ सेपरेटली सिक्रीट कर रही वहीं अपना हार्मोन जोड़ छोड़ देगी। मतलब क्या है, कहने का मतलब वही कि डक्ट नहीं है उसके पास एक जगह से दूसरी जगह तक, यहीं सिक्रीट किया और वहीं वोमिट कर दी, एक तरह से ये समझो, जहाँ सिक्रीट किया वहीं वोमिट कर दी, ठीक। तो सिक्रीटरी जो ग्लैंड जो सिक्रीट करती, जो उनका सिक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोन, है ना। तो हार्मोन अब भाई क्या, हार्मोन सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, देन कैरीड थ्रू आउट द बॉडी, दे इन्फ्लुएंस ओनली द सेल्स हैव रिसेप्टर साइट फॉर दैट हार्मोन। कहने का मतलब भाई यहाँ से निकला आपका हार्मोन, यहाँ पे है टारगेट ऑर्गन, इस टारगेट ऑर्गन के पास क्या है, स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर, ठीक।
अब इसके पास रिसेप्टर है तो इसी तरह का इसका क्या होना चाहिए, सब्सट्रेट होना चाहिए, ये बाइंड कर लेगा और अपना फर्दर एक्शन शो करेगा। ठीक, तो ये बात हुई, इस तरह से अपना एक्शन आगे शो करेगा। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट फैट में टूटेंगे नहीं, इनका क्या है, ये ब्रेक होके कोई एनर्जी नहीं देने वाले हमें, ये काम कराते हैं, मैसेंजर्स हैं, विच एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दे मे बी स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, डेरिवेटिव्स। अब देखो भाई, भाई बात करते हैं भाई, जैसे ये सेल्स हैं, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में क्या रहते हैं, ये बात करते हैं, कैसे बात करेंगे, या तो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, जब कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है तो हार्मोन सिस्टम का काम होता है, हार्मोन्स मैसेज लेके जाते हैं। भाई खाना आया, अब खाना आया, खाना आया तो मैसेज गया, अब वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होगा कि भाई उसको डाइजेस्ट करना है, बस है, तभी तो डाइजेस्ट होगा। ठीक, अब भाई जो स्टेरॉयड होते हैं, जो हमने कहा ना हार्मोन्स कई तरह के होते हैं, स्टेरॉयड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स है ना, पेप्टाइड्स, तो जो स्टेरॉयड्स हैं इनकी बात करें तो इनके पास होता है स्टेरॉयड न्यूक्लियस। अब भाई स्टेरॉयड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इस तरह का कुछ करके, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का न्यूक्लियस होता है ना, तो कुछ इस तरह का करके न्यूक्लियस है, जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है इनके पास होता है। दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हमने जब सेल पढ़ा था तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई थी है ना, तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमने बताया था, वहाँ पे स्टेरॉयड्स का सिक्रेशन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या थे, वही तो थे हमारे हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन से हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल्स, ये सब क्या हैं, स्टेरॉयड्स हैं। फिर बात करें हार्मोन्स ऑफ गोनैड्स, हार्मोन्स ऑफ गोनैड्स भाई ये कौन से होते हैं, जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है ना, जो क्या है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से फीचर्स डेवलप होते हैं। बायोजेनिक अमीन्स की बात करें, सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड्स आर लाइक कैटाकोलामिन, कैटाकोलामिन में एग्जांपल्स क्या हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं, जैसे डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोजेनिक या जो कि बायोलॉजिकली डेवलप्ड हुए हैं बॉडी के अंदर, कहीं से हमने खाने से उनको नहीं लिया है, हमारे अंदर ये क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, सिक्रेट हुए हैं। पेप्टाइड प्रोटीन्स की बात करें, सिंथेसाइज्ड ऑन ग्रेनुलर, और भाई जाहिर सी बात है जब पेप्टाइड और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट से क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि अब भाई इसमें कौन कौन से हार्मोन आ जाएंगे आपके, जैसे आपका आ जाएगा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, जिसमें इंसुलिन हमें पता है कहाँ से सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज है ना, बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन कहाँ सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज, अल्फा सेल्स, पैराथार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन कहाँ सिक्रीट होता है, थायरॉयड ग्लैंड, ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे भी। हार्मोन्स करते क्या हैं, ये हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, हमारी बॉडी के सेक्सुअल डेवलपमेंट को, मींस अगर बात की जाए तो ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट, चाहे बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे बॉडी का मेंटल स्ट्रक्चर हो, दोनों चीज़ें हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। अगर बॉडी में एक्सेस हो गई तो बॉडी हैवी हो सकती है या बोला जाए डी शेप्ड हो सकती है, अगर कमी हो गई तो बहुत सारे रिटार्डेशन हो सकते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट बॉडी के अंदर कम हो सकता है। ठीक, टारगेट सेल इसके पास, देखो हमेशा क्या होता है, हमने क्या कहा, बहुत सारे सेल्स होते हैं तो टारगेट सेल के पास स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे उनको पता होता है कि भाई ये हमारा हार्मोन है, इसके साथ हमको बाइंड करना है। जैसे भाई मोबाइल वाला सिस्टम है, आप जियो का नेटवर्क सर्च करने लगो तो सिर्फ जियो का आएगा, जबकि आपके घर में अकेला जियो का नहीं, आपके घर में वोडाफोन, एयरटेल, BSNL सारे नेटवर्क आते हैं, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन खाली जियो का पकड़ता है ना, वही सिस्टम है कि ब्लड के अंदर तो बहुत सारी ग्लैंड्स है, बहुत सारी एंडोक्राइन एग्जोक्राइन ग्लैंड्स,
बहुत सारा मिनरल्स विटामिन, इनको कैसे पता चलता है कि इसी हार्मोन को हमको क्या करना है, उसी के साथ बाइंड होना है, तो उसका यही एक यही मैकेनिज्म है। ठीक, अब देखो बात करते भाई इंडोक्राइन सिस्टम की। इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे ऊपर बात करें, सबसे ऊपर तो क्या होता है, सबसे ऊपर होता हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। उसके बाद तीसरी आंख, तीसरी आंख पे आ जाओ, तीसरी आंख पे अच्छा हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे बात करेंगे अभी हम लोग, देखें हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। ठीक, हाइपोथैलेमस जैसे ये सपोज करो क्या है, दिस इज हाइपोथैलेमस, है ना, क्या होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू लगी हुई होती है आपकी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। ये जो तीसरी आंख है यहां पे, जहां पे शंकर जी की तीसरी आंख रहती है, ठीक इसको अगर यहां पे ऐसे करके क्या है होल करके देखा जाए तो ठीक बीच में यहीं पे आओगे तो मिलेगी आपको छोटी सी पीनियल ग्लैंड, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जैसे बचपन में याद हो तो, या अभी भी हो सकता है बहुत सारे घरों में हो, जैसे आप अलार्म लगाते हो मोबाइल में, तो घर पे बुजुर्ग लोग कहते थे कि अपनी तकिया से बोल के उठो सो कि मुझे 4 बजे उठा देना और आपकी तकिया आपको उठा देगी। तो तकिया नहीं, आप अपने आप से बोलते थे, तो ये आपकी पीनियल ग्लैंड, ये क्या है, ये मिलानिन का सिक्रीशन करती है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करती, एक मिलानिन का सिक्रीशन करती है, दूसरा सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती है। ठीक, सिलेबस में नहीं है लेकिन काम की चीज़ इसलिए बता देता हूँ। तो भाई जो मिलानिन का सिक्रीशन करती है, तो मिलानिन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप देख रहे हो लाइट वाइट है ना, लाइट के एक्सपोजर में सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम होता है और मिलानिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। मिलानिन क्या काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। भाई जो कलर है, चाहे हेयर का कलर हो चाहे स्किन का कलर हो, भाई जैसे इंडिया के लोगों को बुलाया जाता है काले लोग हैं, है ना, ब्रिटिशर्स को बुलाया जाता है गोरे लोग हैं, तो ये क्यों होता है, ये फर्क पड़ता है मिलानिन सिक्रीशन पे। जिसका मिलानिन सिक्रीशन ज़्यादा होता है वो डार्क कलर के होते हैं, जिनका कम होता है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। फिर बात करते हैं सेरोटोनिन की। अब देखो लोग जैसे सिस्टम चला है, रात में ही नींद क्यों आती है, क्योंकि जब बॉडी पे लाइट पड़नी कम हो जाती है तो सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, कहाँ से होता है, पीनियल ग्लैंड से होता है। और जब सेरोटोनिन का सिक्रीशन, ये नींद लाने का काम करता है, इसीलिए घरों में भी आप देखो तो लाइट बंद करके सो तो जल्दी नींद आ जाती है, लाइट जला के सो तो जल्दी नींद नहीं आती है, या थके रहो तभी नींद आती है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि बॉडी पे जब लाइट पड़ना बंद हो जाती है सेरोटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, छोटे बच्चों में भी सेरोटोनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, यही एक वजह है कि छोटे बच्चे क्या है, सोते रहते बहुत ज़्यादा, है ना। खैर, फिर भाई उसके बाद आप गले पे आ जाओ। गले पे कौन सी ग्लैंड है, गले पे आगे की तरफ होती हमारी थायराइड ग्लैंड, और उसी थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ चले जाओ तो होती है पैराथायराइड ग्लैंड। चेस्ट पे आ जाओ, चेस्ट पे भाई, तो चेस्ट पे कौन सी ग्लैंड होती है, चेस्ट पे थाइमस ग्लैंड होती है। उसके बाद आप नीचे आओ और आपका लाइक ऐसे क्या रहता है, आपका स्टमक रहता है ना, तो डियोडिनम के पास से आपका क्या लगा हुआ होता है, पैंक्रियाज लगा हुआ होता है ना, पैंक्रियाज। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आओ तो भाई क्या रहता है, किडनी रहती है, और किडनी के ऊपर लगा रहता है, किडनी के ऊपर ही रखी रहती है एड्रिनल ग्लैंड आपकी। ठीक, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाओ। फीमेल्स में ओवरी होती है ना, और मेल्स की बात करें तो क्या रहती हैं, टेस्टिस रहती हैं। ठीक, तो ये बात हुई कहे कि इंडोक्राइन सिस्टम की, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सारी ग्लैंड्स नहीं हैं, थोड़ी सी ग्लैंड है, तो इसीलिए हम सिर्फ उतनी ही पढ़ेंगे। ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, आगे हम पढ़ाएंगे कि कैसे भाई जब बॉडी में कोई भी हार्मोन कम होता है तो वहाँ से सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है कि इसको सिक्रीट करो। ठीक, तो भाई ग्लैंड क्या, सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। तो कहने का मतलब ये होता है निगेटिव फीडबैक, जैसे कम हुआ तो उसको सिक्रीट करना है, और पॉजिटिव फीडबैक में जब कम ज़्यादा हुआ तो उसको क्या, बंद कर देना, भाई अब सिक्रीशन बंद करो, सफिशियंट अमाउंट में चीज़ें पहुँच गई हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रिंसिपल के स्कूल नहीं होता, बिना प्रिंसिपल के स्कूल नहीं चल सकता, चूँकि हम लोग स्टूडेंट टीचर हैं, है ना, तो इसीलिए स्कूल का ही एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। स्कूल के अंदर जैसे प्रिंसिपल, स्कूल या कॉलेज में जैसे प्रिंसिपल होता है,
वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वैसे ही हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ग्लैंड होती है, ब्रेन में रहती है थर्ड वेंट्रिकल में। ठीक, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, देखो हाथ से ही बनाया हुआ है, क्योंकि शायद हाथ से बनाया हुआ आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है ना, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। दूसरा, ये जो है न्यूरोसिक्रीटरी होती है, नर्वस को सिक्रीट करता है, नर्वस हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि करता क्या है हमारी बॉडी का, भाई जाहिर सी बात है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल क्या करता है अपना मैसेज वाइस प्रिंसिपल को पास कर देता है कि हाँ भाई बॉडी ये पॉलिसी है, इस तरह से बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर दो कि ये काम करने हैं, है ना। तो इस तरह से करके वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा, फिर वो अपने टीचर्स को बोल देता है। तो सबसे पहले बात करो किसकी, भाई जैसे सपोज करो ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या करेगा अपने नीचे वाइस प्रिंसिपल को कमांड देगा, फिर वाइस प्रिंसिपल क्या करेगा अब बॉडी के अंदर सेपरेटली जो भी टीचर्स हैं, क्या हैं जो भी टीचर्स हैं उनको गाइड करेगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंसिपल है दैट इज हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस, और जो वाइस प्रिंसिपल है ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और ये जो टीचर्स हैं ये जो बाकी की ग्लैंड हैं, जैसे हमने अभी बताया जैसे थाइमस ग्लैंड हो गई, हमारी एड्रेनल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, टेस्टिस हो गई, ओवरीज हो गई, है ना, तो पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, ये सारे टीचर्स हैं। तो कहने का वाला हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन सिक्रीट करता है और सिक्रीट करके मैसेज देता है पिट्यूटरी को। ठीक, बस इतना ही काम है इसका, ये पिट्यूटरी को मैसेज देता है और पिट्यूटरी क्या करती है, पिट्यूटरी बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबको उस मैसेज को कन्वे कर देती है अपने तरीके से। हार भाई हाइपोथैलेमस के पास सेंस गया, हाँ भाई खाना आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज दे देगा, हाँ भाई गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कराओ, है ना। फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनके पास अपना जो है रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट भेज देगी कि हाँ भाई जाओ मैसेज एक हार्मोन दौड़ा देगी, जाओ गैस्ट्रिक ग्लैंड में इनिशिएट कराओ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन। तो फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी जिससे खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जैसे ये देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये जो लगा हुआ स्टॉक है इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी लगा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है पिट्यूटरी को, देखो पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस गाइड करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, तो सुपर मास्टर ग्लैंड अगर बात की जाए तो हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी क्या है मास्टर ग्लैंड होती है, तो सुपर मास्टर यानी प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल मतलब सुपर टीचर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये पोर्शन क्या है ऊपर का, ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी, क्योंकि दोनों कंट्रोल करते हैं इसलिए इसको जानना जरूरी है ना। तो पिट्यूटरी के अंदर होते हैं तीन लोब, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया और तीसरा लोब ये हो गया। जो आगे की तरफ वाला पहला लोब होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो मिडिल लोब होता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो पीछे की तरफ होता है पीछे की तरफ उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे भाई बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं हाइपोथैलेमस, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूँ पिट्यूटरी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ये दोनों मिलाकर बनते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस है एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर लोब है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्यों बोलते हैं उसको भी समझ ले। अब देखो जो हाइपोथैलेमस है वो अपना जो मैसेज होता है वो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू भेजता है, कहाँ पे, ये देखो हाइपोफाइसियल वेन, ये दिस, ये क्या है आपकी हाइपोफाइसियल वेन है, इसमें नर्वस हार्मोन को डालती है और ये कहाँ जाता है हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। ठीक, मिडिल इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, मिलेनोसाइट सेक्रीट करते हैं, है ना। और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इसमें दो तरह के, जैसे घर में एक बड़ा अच्छा बच्चा होता है और एक निकम्मा टाइप का बच्चा होता है ना, हर घर की यही कहानी है, आप लोगों में भी भाई बहनों में बहुत सारे होंगे। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है ये अपना खाना खुद बनाता है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस इसको मैसेज देता है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम करवाना है, है ना। तो ये क्या करते हैं, जिस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं उस हार्मोन को सिंथेसाइज भी खुद ही करते हैं, ये होती पिट्यूटरी की बात। ठीक, उसी को सिक्रीट करते। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की अगर हम बात करें
तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें सीधा सीधा जो एग्जॉन है, जो न्यूरॉन है, ये हाइपोथैलेमस खुद मतलब जो भी यहाँ पे सिक्रीशन होता है, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और कौन सा, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन है ना। तो ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब सिक्रीट होते हैं ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्रीट वो चीज़ होती है जो बनाई जाती है, इनको इन्होंने तो बनाया ही नहीं ना। ये क्या कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस ने बनाया और ये जस्ट क्या कर रहे हैं, रिलीज करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्रीट शब्द सही नहीं होगा, यहाँ पे शब्द कौन सा सही होगा, रिलीज। तो ये क्या कर रहे हैं, रिलीज करने का काम कर रहे हैं। सिक्रीट कौन कर रहा है, सिक्रीट तो हाइपोथैलेमस ही कर रहा है, सिक्रीट तो हाइपोथैलेमस कर रहा है, हाइपोथैलेमस बना रहा है। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कुछ नहीं करती, सिर्फ जो हाइपोथैलेमस भेज देता है उसी को रिलीज कर देती है, ठीक। फिर हार्मोन कौन कौन से, जो भी जैसे रिलीजिंग हार्मोन है, देखो काम करवाना और काम होने को रोकना दोनों काम हाइपोथैलेमस के हैं। जैसे बॉडी के अंदर कुछ आया, कुछ हार्मोन की कमी है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे। तो रिलीजिंग हार्मोन को आरएच बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिग्नल। कुछ बॉडी में कमी आ गई, हार्मोन्स कम हो गया, तो ये क्या करेंगे, जस्ट पिट्यूटरी को मैसेज देंगे कि भाई ये हार्मोन सिक्रीट कराओ। तो इसके लिए ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी तक भेज देंगे, फिर पिट्यूटरी आगे मैसेज कन्वे कर देगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनहिबिटरी हार्मोन, अब जैसे बॉडी में कुछ ज़्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, अब एक काम करो, अब इसको रिलीज इसका कम कर दो। देखो ये बहुत सारे जैसे टेस्टिस वगैरह में स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना, रेगुलर स्पर्म फॉर्मेशन होता जाता है, लेकिन होता भाई अगर होता जाए तो टेस्टिस फट जाएगी, लेकिन कभी फटती है क्या, नहीं फटती। क्यों? क्योंकि बॉडी में हर जगह फीडबैक, जैसे WBC प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, रातों दिन होता रहता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म स्लो और डाउन। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आज 5 लीटर शरीर में ब्लड है, 2 लीटर बह गया, अगले दिन फिर आप मेजर करोगे जाके 5 लीटर फिर उसके शरीर में ब्लड आ जाएगा। तो कहने का इसका मतलब ब्लड फॉर्मेशन हुआ बॉडी में, हुआ ना कहीं से। तो जब ब्लड फॉर्मेशन हुआ, 2 दिन में या 1 दिन में हमारा 5 लीटर यानी 2 लीटर एडिशनल ब्लड बन गया, तो इसका मतलब जो ब्लड बनाने वाली मशीन है इसको तो लगातार बनाते रहना चाहिए, तो बॉडी में पानी से ज़्यादा ब्लड हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो ये सब कंट्रोल्ड होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। बॉडी में कुछ कम हुआ तो तुरंत सिग्नल गया और उसका प्रोडक्शन चालू। जैसे एक जैसे होता क्या है कि घरों में टंकी पे अलार्म लगा होता है, जैसे पानी की टंकी होती ना, कुछ लोगों के यहाँ 2 तरह के अलार्म होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ 1 अलार्म होता है। जैसे टंकी भर गई, ओवरफ्लो कर गई, तो वहाँ पर अलार्म बजने लगेगा कि अलग अलग मैसेज होते हैं, कृपया पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दें, है ना। फिर ये तो हो गई भरने का अलार्म, ठीक। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुई, इसके लिए निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब अब आपको मोटर बंद कर देनी है, इसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। अब एक मिनिमम लेवल होता है, उसके नीचे अगर पानी आ जाता है टंकी का, तो जो घर के अंदर टैप होते हैं, नल होते हैं, तो वो एयर ले लेते हैं, ठीक। तो वो एयर लेने से बचने के लिए नीचे के लेवल में भी बहुत सारे लोग अलार्म लगा के रखते हैं कि मोटर चालू करें, पानी का लेवल जो भी अपना उनका मैसेज है कि जरूरत से कम हो गया है या मिनिमम लेवल पे आ गया है, है ना। तो इस तरह के 2 तरह के घरों में अलार्म, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, मतलब अब ये कि अब ये मिनिमम लेवल पे आ गया है, अब पानी चलाओ। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की कमी है, इसका मतलब ये हार्मोन अब रिलीज कराओ, तो उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन होता है। कोई हार्मोन ज़्यादा हो गया तो उसको रोकना है, मतलब इनहिबिटरी हार्मोन चाहिए उसके लिए, मींस अब इस हार्मोन का सिक्रीशन रोक दो, इसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक। तो इसी तरह से जैसे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी, जितने भी रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, सारा मैकेनिज्म, जो भी हार्मोन रिलीजिंग होगा उसका इनहिबिटरी होगा। ये सारा कंट्रोलिंग किसके पास होता है, रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक। तो ये जो ऊपर के हैं ये इंटीरियर लोब को मैसेज देता है, पोस्टीरियर लोब क्या, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तो कुछ बनाते नहीं है, वो तो क्या है, उसके लिए जो भी हाइपोथैलेमस बना बनाया बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना दे देगा, वही खाना वो आगे जाके
बढ़ा देता है। जैसे क्या खाना बना के देगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब पे क्या कर, किसका कंट्रोल, हाइपोथैलेमस खाली कंट्रोल करता है रिलीज का, किसके रिलीज का, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन, है ना। थोड़ा सा हिसाब किताब इसका यहीं देख लो, क्योंकि पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन में, यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन का हार्मोन। ये चाइल्ड बर्थ के समय एक्टिवेट होता है, सिक्रीट होता है ज़्यादा। यही एक वजह है कि इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। कौन सा, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, राइट, बर्थ हार्मोन। फिर रेस्पॉन्स ऑक्सीटोसिन, अच्छा दूसरी चीज़ और, यही रेस्पॉन्सिबल होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। मेमरी ग्लैंड में इजेक्ट ब्लड मिल्क का इजेक्शन, जैसे अब भाई जैसे ऑक्सीटोसिन हुआ, जैसे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, ये बढ़ना शुरू होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। यही एक वजह है कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम्स में जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस समय क्या होते, ब्रेस्ट मसल्स जो है हैवी होने लगते हैं। क्यों हैवी होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीटोसिन के साथ प्रोलैक्टिन का भी सिक्रीशन होता है। प्रोलैक्टिन अभी हम आगे बात करेंगे, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है जो करते क्या है, सिंथेसाइज करते हैं मिल्क को, मिल्क को सिंथेसाइज करते। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंथेसाइज करना, एक होता है इजेक्ट करना। अब जब बर्थ हो गई, अब जब बर्थ हुई ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया जिससे कि बर्थ हुई। और क्या काम करता है, जो मिल्क बना हुआ है मेमोरी ग्लैंड्स में, जो मिल्क बना है उसको बाहर निकालने का काम, उसको बाहर निकालने का काम करता है हमारा कौन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, तो देखो रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए भाई, रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पे इजेक्शन, ये सिंथेसाइज नहीं करवा रहा है, ओनली इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक, जो कि सिक्रीट, जो कि सिंथेसाइज होकर रखा है प्रोलैक्टिन के थ्रू। दूसरा भाई एडीएच, एडीएच को ही एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एडीएच वैसोप्रेसिन, ये कहाँ पे होता है, वैसोप्रेसिन किडनी में, कहाँ पे, किडनी में सिक्रीट करवाता है कौन, हमारा पिट्यूटरी। ठीक, तो अब इस, ये रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। अगर किसी तरह से बॉडी में वैसोप्रेसिन की या एडीएच की कमी हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए, तो वहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक मेलाइटस होती है और एक इंसिपिडस होती है। मेलाइटस होती काहे की, शुगर वाली, है ना। तो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है शुगर वाली, और इंसिपिडस होती है पानी वाली यानी यूरिन वाली। अब इसमें क्या है, अगर वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी हो जाए किसी तरह से, तो यूरिन में पानी का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन बार बार जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। ऐसी डायबिटीज़ को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। अब वहीं पर जैसे ही वैसोप्रेसिन कम होता है, एडीएच हार्मोन तुरंत सिक्रीट होना शुरू हो जाता है किडनी में। मींस क्या है, पिट्यूटरी से मैसेज आया कि हाँ भाई अब एक काम करो, एडीएच एंटी डायुरेटिक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करो। तो ये क्या करेगा, स्पेशली आप कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल रीजन जो होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो नेफ्रॉन आपने देखा होगा, ठीक, जहाँ हमने डायुरेटिक्स पढ़ाया था, तो आप लोगों ने क्या भाई वहाँ पे न्यूरॉन बताया था, कहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है, कहाँ पे पीसीटी, कहाँ पे डीसीटी, कहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, सारी कहानी बता रखी थी। तो वहाँ पे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब जब एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगे तो एडीएच सिक्रीट होता है, और एडीएच क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे पानी की कमी बॉडी में नहीं होने पाती और एडीएच नहीं होता। ठीक, तो अगर लॉस हो जाए किसी तरह से, डिफिशियंसी हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए एडीएच का, तो उस केस में क्या होगा, अगर डिसऑर्डर हो जाए तो उस केस में होगा क्या, हाँ, लॉस ऑफ यूरिन यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस। ध्यान रखना, एडीएच की डिफिशियंसी से डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, मेलाइटस मत लिख देना। ठीक, तो ये बात हुई यहाँ तक का है कि अभी तक बात हुई हाइपोथैलेमस की। अब हम पहुँचे पिट्यूटरी की, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें भाई।
देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखो यहाँ पे एक फिगर है, ध्यान से समझो। देखो ये हुआ पीनियल ग्लैंड, ये कॉर्टेक्स है हमारा, है ना। ये हमारा जो येलो रीजन है, ये क्या है हमारा हाइपोथैलमस। और हाइपोथैलमस से आप ध्यान से देखो जहाँ पे ये रेड लाइन चल रही है, दिस वन, ये देखो ये क्या है, ये पिट्यूटरी है हमारी। और ये क्या है, दिस इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम है ना। ये क्या है इनफंडिबुलम, ये देखो इधर मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये सपोज करो हाइपोथैलमस, ये इनफंडिबुलम और इससे लगी पिट्यूटरी ग्लैंड, वही फिगर है यहाँ पे। एक मिनट कलर दूसरा चेंज करके ड्रॉ कर देते हैं। ओके जस्ट वन सेकेंड है। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ये येलो कलर का, देखो सब येलो कलर का ही दिख रहा है। येलो कलर से ही हाइपोथैलमस है, येलो कलर से ही इनफंडिबुलम है ये आपका, और यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई पिट्यूटरी। ठीक, तो ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलमस, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज पिट्यूटरी। तो इस तरह से ये प्रोसीजर रहता है, इस तरह से ये फिगर रहता है। मीन्स एग्जाम में आप इस तरह से करके बना सकते हो, बताने का मतलब सिर्फ इतना था। ठीक, तो अच्छा दूसरी चीज़ और, यहाँ पे जैसे पिट्यूटरी बन गई, पिट्यूटरी के नीचे यहाँ पे इस तरह से ये रहता है सेला टर्सिका। ये इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या प्रोटेक्शन का, अब देखो ध्यान से, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है मटर की तरह होती है, पी शेप्ड, पी शेप्ड मतलब ऐसे गोल गोल सी पी शेप्ड रहती है। ठीक, इसका कितना सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, 1 ग्राम का लगभग वेट होता है। बोनी कैविटी, बोनी कैविटी का के लिए प्रोटेक्शन के लिए बोनी कैविटी होती है, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, है ना। हाइपोथैलमस से, ये हाइपोथैलमस है, इससे पिट्यूटरी अटैच है, किससे अटैच्ड है भाई, इनफंडिबुलम। व्हाट इज दिस इनफंडिबुलम, देखो ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इन सबको एमसीक्यू में भाई पिट्यूटरी को प्रोटेक्शन कौन देता है, सेला टर्सिका, पिट्यूटरी हाइपोथैलमस से किससे जुड़ी है, इनफंडिबुलम से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये दो लोब में कायदे से 3 पार्ट जो हमने अभी बात की थी, लेकिन बेसिकली मिडिल पार्ट को भी एंटीरियर लोब ही बोलते हैं, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे हाइपोथैलमस का न्यूरॉन आया हुआ होता है। ठीक, मैसेज लेके सीधा न्यूरॉन आता है। तो और देखो यहाँ पे, अच्छा ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसको पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसको और क्या, पार्स नर्वोसा, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं। और हाइपो सेला टर्सिका हाइपोफेसियल फोसा बोन में, जिसमें स्फेनॉइड बोन होती है, कौन सी, स्फेनॉइड बोन, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये फिगर है, देखो यहाँ पे ये हाइपोथैलमस हो गया, देखो यहाँ एकदम क्लियर हो गया कि ये आपका कौन सा है, हाइपोथैलमस रीजन, है ना। ये आपका इनफंडिबुलम हो गया, ये आपका पिट्यूटरी, देखो जो आगे की तरफ है उसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसीलिए एडिनोहाइपोफाइसिस। जो पीछे की तरफ है उसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए क्योंकि हाइपोथैलमस का जो न्यूरॉन होता है वो डायरेक्ट मैसेज लेके या डायरेक्ट जो भी सिक्रीशन है, क्योंकि पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ जो हार्मोन बना के रेडीमेड बना के हाइपोथैलमस भेज देता है, सिर्फ उसको रिलीज करने का काम करती पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक, जैसे जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी बात की, ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो सके। तो हाइपोथैलम, अब देखो इसमें भी आपको फंसाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, फंसाने वाला क्वेश्चन क्या, एक चीज होती है कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच सिक्रीट कौन करता है, बताओ भाई कौन सिक्रीट करता है, टेल मी द आंसर, कौन सिक्रीट करता है। सिक्रीट वो करेगा जो बनाएगा, देखो बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, सिक्रीट वो करेगा जो बनाएगा। ऑक्सीटोसिन एडीएच बनाया किसने, हाइपोथैलमस, यानी सिक्रीट करेगा हमारा हाइपोथैलमस। फिर दूसरा पॉइंट आता है रिलीज कौन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज कौन करेगा, तो रिलीज करने का काम करती जो स्टोर करके जिसने रखा है, जो कि हमारी है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी।
इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? देखो सिक्रीट करना अलग बात है, रिलीज करना अलग बात है, डिफरेंशिएशन याद रखना, एमसीक्यू में फंसने वाला रहता है। ठीक, दूसरा पोस्टीरियर लोब, पी से पोस्टीरियर पार्स नर्वोसा और ए से पार्स डिसिटेलिस एंटीरियर लोब को, ये नाम है जो ध्यान रखने हैं आपको। अब एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे भाई? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इंक्रीज साइज ऑफ मसल्स एंड बोन्स को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेशन ओवुलेशन एस्ट्रोजन, ये मेल्स और फीमेल कैरेक्टर्स को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन एंड्रोजन फॉर्मेशन का। ठीक, एडेनोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को एड्रेनलिन वगैरह जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करने का काम करते हैं। फिर और क्या करते हैं भाई, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या मिडिल लोब से सिक्रीट होता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या, थायरॉयड रिलीज को बढ़ाते हैं। क्या है, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड को के रिलीज को क्या है, इनिशिएट करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन मैचुरेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेल्स में स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी में जाके फॉलिकल्स में ही फॉलिकल्स बनाते हैं इनको। ठीक, पोस्टीरियर लोब की बात करें जो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीटोसिन जो क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में और इजेक्शन ऑफ मिल्क। यहाँ पे फिर बात है इजेक्शन ऑफ मिल्क, ना कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे ये। मैन्युफैक्चरिंग किसकी हेल्प से होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था प्रोलैक्टिन की मदद से। ठीक, फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और क्या करती है, एडीएच जो स्टिमुलेट करता है किडनी को टू कंजर्व वाटर, है ना, वाटर ज्यादा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ये देखो एक लेआउट टाइप में बनाया है जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल टिश्यू से होती है। ठीक, एंटीरियर लोब को एडेनोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोफाइसिस बोलते हैं। ठीक, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको पार्स डिस्टेलिस, दूसरा इंटरमीडिएट लोब को पार्स मीडिया बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब को पार्स नर्वोसा बोलते हैं। एंटीरियर लोब से बहुत पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मिलेनोसाइट के पास जाते हैं और मिलेनिन सिक्रीट कराते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन एंड हेयर कलर के लिए। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और एडीएच के रिलीज को कराते हैं ना। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, फिर सीधे ग्रोथ हार्मोन क्या भाई, ये जो सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, सोमेटोट्रॉप्स क्या है, न्यूमरस सेल्स होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करवाते हैं। अब देखो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल होता है उसका सिक्रीशन हमारे हाइपोथैलेमस से। ठीक, रिलीज नहीं, कंट्रोल करता है सिक्रीशन को। देखो शब्द याद रखना, एंटीरियर लोब में हाइपोथैलेमस सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा और पोस्टीरियर लोब में क्या करेगा, रिलीज को कंट्रोल करेगा। किसको, रिलीज को, सिक्रीशन को नहीं। क्योंकि पोस्टीरियर लोब से सिक्रीशन नहीं हो रहा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करने का काम करे, सिक्रीशन तो हाइपोथैलेमस ने कर दिया, ध्यान रखना इनको। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब ग्रोथ हार्मोन क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए। तो ग्रोथ हार्मोन की बात की जाए तो अगर इसकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर डिसऑर्डर हो गया बॉडी के अंदर तो ड्वार्फिज्म, जैसे बौने होते हैं जो छोटे होते हैं। और तो दूसरी चीज वाइस वर्सा, अगर एक्सेस हो जाए, एक्सेस कैटेगरी दो कैटेगरी होती है एक्सेस की, एक होती है एक्रोमेगैली डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ ग्रोथ। देखो ये होता क्या है, एक होता है जिजेंटिज्म, दोनों चीजें समझ लो, जिजेंटिज्म मतलब विशालकाय राक्षस टाइप का, राक्षस कहना ठीक नहीं क्योंकि लोग ही होते हैं, है ना। तो जैसे बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं, देखो बहुत है बड़े बड़े से देखने दानों टाइप में, तो उसको बोलते हैं जिजेंटिज्म। उसमें क्या, ग्रोथ हार्मोन उनका बचपन से ही बॉडी में ज़्यादा होता है। अब किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं एग्रोमेगैली। क्यों, क्योंकि बोन की लेंथ नहीं बढ़ती, बोन की जो एपिफाइसिस हैं उनकी लेंथ, जैसे एडल्ट स्टेज में आया कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया बॉडी के अंदर, जब बढ़ गया तो वहां पे क्या है, बोन की लेंथ नहीं बढ़ती है, लेकिन जिस पार्ट में होता है, कहीं चेहरा बड़ा हो गया, हाथ बड़ा हो गया। एक बड़ा एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, है ना, जो मैंने रिसेंट में सुना था कि ये प्रॉब्लम है किसको, द ग्रेट रेसलर खली, एक्रोमेगैली, है ना, मींस उसकी बॉडी की ग्रोथ डिसप्रोपोर्शनेट है, सब जगह ने पैर वगैरह आप देखिए, है ना। तो
इस तरह से, और बचपन से ही अगर ज़्यादा है तो जिजेंटिज्म हो जाएगी, जैसे बहुत बड़े बड़े रेसलर्स होते हैं, है? और अगर इसकी कमी हो गई तो ड्वार्फिज्म हो जाएगी। ठीक, ये बात हुई ग्रोथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, T3 T4 के रिलीज को बढ़ाएगा, यानी उसको सिक्रीट करवाने का काम करेगा। तो 2 थायराइड ग्लैंड सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये इनिशिएट कौन कराएगा, कंट्रोल किसके थ्रू होता है, कंट्रोल किसके थ्रू होता है भाई, हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है और फॉलोड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर गोनेट्स की बात करें, गोनेडोट्रोपिन्स दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हम अभी आप प्रीवियसली में बात किए बस उसी की डिटेल है, चूंकि आपको नोट्स भी चाहिए, दो लाइन से आपका काम चलेगा नहीं। तो जो आपके गोनेट्स होते हैं, तो गोनेडोट्रोपिन्स क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो फॉलिकल्स होते हैं ढेर सारे, क्या हैं फॉलिकल्स, ये दो तरह के हार्मोन, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, स्टिमुलेट फॉलिकुलर सेल्स टू सिक्रीट एस्ट्रोजन, ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। मेल्स में क्या करेंगे, ये स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ध्यान रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, कार्पस ल्यूटियम से। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवुलेशन, ये ओवरी से ओवरी एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कार्पस ल्यूटियम, ये जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट कराने का काम करते हैं। ठीक, दूसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर कहाँ पे होता है, यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू हेल्प प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन, यही जो है मेमोरी ग्लैंड के मीन्स जो हैवी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साइज इनलार्ज हो जाता है, उसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ना। मेल्स में क्या करते हैं, स्टिमुलेट टेस्टिस में सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, किसका, टेस्टोस्टेरोन का। अब प्रोलैक्टिन की बात करें, देखो प्रोलैक्टिन बात कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और ये काम क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को, जिससे कि उसके अंदर क्या है, मिल्क का सिक्रीशन हो सके, मिल्क फॉर्मेशन हो सके, जो कि बाद में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब बर्थ हार्मोन बोलते हैं ना ऑक्सीटोसिन को, तो जब बेबी की बर्थ होती है उस समय ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने का काम करता है। फिर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी कि क्या, पार्स मीडिया, बीच वाले क्या बोलते हैं, पार्स मीडिया। मेलेनोसाइट ये रिस्पॉन्सिबल मेलेनिन सिक्रीशन का काम करते हैं, जो कि स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एडिनोकार्टिकोकार्टिकॉइड, ये क्या होते हैं भाई, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट रोल इन्फ्लेमेशन में या इम्यूनो सप्रेशन में हेल्पफुल होते हैं, कौन से, एडेनोकार्टिकॉइड। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी में, दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और ADH, ऑलरेडी हम इनकी पूरी बात कर चुके हैं प्रीवियस में, है ना। तो इस तरह से करके एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है, वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, इसकी डिफिशेंसी क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट बात हुई कहे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग जो ग्लैंड बनी है, ओके, उनके बारे में। ठीक।